हुंडई ने अपनी क्रेटा का ऑफिशियली वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, वो भी ब्राज़ील के अंदर। लेकिन ब्राज़ील में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपको ADAS टेक्नोलॉजी मिलने वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और ये वेरिएंट इंडिया के अंदर 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है, जिसका सीधा मुकाबला होगा महिंद्रा की XUV700 से। हाँ, इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाए तो वैसे तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से लेकर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। XUV700 में आपको बोस मोड का फीचर मिल जाता है, जो कि हुंडई क्रेटा में नहीं मिलता। महिंद्रा XUV700 में आपको 10.25 इंच की दो स्क्रीन मिल जाती है, जो एक ही ग्लास स्लैब में इसके अंदर दी हुई है। राइट साइड में आपको दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दी हुई है। और महिंद्रा XUV700 के अंदर आपको 3D सराउंड सिस्टम मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और महिंद्रा XUV700 के अंदर आपको मेमोरी सीट्स फंक्शन मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और कहीं ना कहीं हुंडई क्रेटा में ये फीचर मिसिंग है। और अगर हम बात कर लें इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में, तो XUV700 की लेंथ है 4695 mm, और हुंडई क्रेटा की लेंथ है 4300 mm, और XUV700 की विड्थ है 1890 mm की, और क्रेटा की जो विड्थ है वो है 1790 mm की, और XUV700 जो हाइट है वो है 1755 mm की, और जो क्रेटा की जो हाइट है वो है 1635 mm की। इसका जो व्हील बेस होने वाला है वो होने वाला है 2750 mm का XUV700 का, और हुंडई क्रेटा का व्हील बेस है 2610 mm का। तो XUV700 लेंथ विड्थ और हाइट में और उसका व्हील बेस भी ज़्यादा है हुंडई क्रेटा से। और हुंडई क्रेटा का जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है, इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला, जो कि पहले नहीं आता था। इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने वाला, जो कि ये भी फीचर भी पहले मिसिंग था, जो पहले नहीं आता था। ब्राज़ील के अंदर दो इंजन ऑप्शंस के अंदर मिल जाते हैं। पहला है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो 120 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है अल्कज़ार वाला 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 165 bhp पावर मिल जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर केवल 3 इंजन ऑप्शन ही अभी तक अवेलेबल है। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल, जिसकी पावर है 115 bhp की, और दूसरा है 1.5 लीटर डीजल, जिसकी पावर है 115 bhp की, और दूसरा है 1.4 लीटर पेट्रोल, जिसकी पावर है 140 bhp की। तो कहीं ना कहीं ये 3 इंजन ऑप्शन ये बेहतर हैं, सही हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो अभी इस टाइम पे अभी तक जो इंडिया में हुंडई क्रेटा का जो प्राइस है वो है 10.20 लाख से शुरू होकर 17.80 लाख बीच तक। लेकिन इसका जो फेसली वेरिएंट लॉन्च होने वाला है ADAS टेक्नोलॉजी के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो 70 से 80 हज़ार रुपये तक महंगा हो सकता है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको XUV700 ज़्यादा बेहतर लगेगी हुंडई क्रेटा से, क्योंकि महिंद्रा XUV700 का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 11.99 लाख से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है, और जिसके अंदर आपको 200 हॉर्स पावर मिलती है। इसके अंदर आपको M-Stallion टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 200 bhp की पावर मिल जाती है, और 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और दूसरा है 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन, जिसके अंदर आपको 185 bhp की पावर मिल जाती है, और 450 Nm का टॉर्क। और हुंडई क्रेटा के अंदर आपको 18 इंच के अलॉय मिलने वाले हैं, जो कि हुंडई की अल्कज़ार में आते हैं, और जो हुंडई क्रेटा के अंदर आपको 17 इंच के अलॉय मिलते थे, लेकिन अब इसके अंदर 18 इंच के अलॉय ऑफर कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव है इसके इंटीरियर के अंदर। इसका जो इंटीरियर है वो होने वाला है हुंडई अल्कज़ार वाला, जो कि हुंडई अल्कज़ार में आपको डार्क ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, अब वही इंटीरियर आपको क्रेटा की फेसलिफ्ट में देखने को मिलेगा। और अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन बताऊं तो पर्सनली XUV700 ज़्यादा बेहतर लगती है लुक्स के मामले में, हुंडई क्रेटा XUV जैसी फील नहीं होती। और XUV700 अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड XUV है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।